गुड इवनिंग <coughs> तो हम लोग कल की क्लास में मैंने हम लोगों ने देखा था कि जो इनऑर्गेनिक का सिलेबस है वो क्या है उसमें एक चीज और ऐड करना था तो उसमें एक टॉपिक और जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है खुश रहो भैया वो एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट ठीक है जिनमें एच एस ए भी प्रिंसिपल आएगा लुइस एसिड बेस्ट कॉन्सेप्ट आएगा तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी हमें पढ़ना ठीक है तो कल मैं उसको नहीं बता पाया था तो वो भी आप ध्यान रखना कि जो एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बाकी आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री तो आप देखो जो भी भी मैं पर पढ़ाने जा रहा हूं, जितने एग्जाम्स होते हैं पीजीटी लेवल पे चाहे चाहे वो वो का हो चाहे फिर वो, आ, क्या नाम है पंजाब वाला एग्जाम हो या फिर यूपी वाला एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का जो लेक्चर का एग्जाम होता है मतलब टू इंटरमीडिएट लेवल तक वो सब कुछ इसमें कवर होता है ठीक है तो ये आपको ये सोचना नहीं कि आरपीएससी वाला आप पढ़ा रहे हो कि नहीं या फिर आप यूपी पीजी का पढ़ा रहे हो कि नहीं या फिर आप के का पढ़ा रहे हो कि नहीं एनबीएस का पढ़ा तो वो मैं फिर से बोलते रहा हूं, वो भी होते हैं जहां पर आप लेक्चर लेवल पे आपकी जॉब लगती है वो सारे एग्जाम को इसमें कवर करें ठीक है तो होपफुली जो है अब आपको बार बार इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है राइट तो हम लोग आज शुरू करेंगे सबसे पहले ए ब्लॉक केमिस्ट्री राइट देखो कभी कभी ए ब्लॉक में जैसे कई सारे एग्जाम में तो दो या तीन क्वेश्चन आते हैं कभी कभी किसी एग्जाम में चार क्वेश्चन आता है कभी कभी किसी एग्जाम में छह छह क्वेश्चन आए ब्लॉक से और ध्यान सुनो ए ब्लॉक का जो लेवल है ना वो धीरे धीरे बढ़ा है मतलब अगर आप जैसे एक एग्जांपल में आरपीएससी का लेता हूं अगर आप 2011 का पेपर देखो तो 2011 के पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन आते थे उसके बाद के एग्जाम्स में 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 देखो थोड़ा में थोड़ा थोड़ा उससे से स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड उसके उसके बाद बाद जाओगे जाओगे और और स्टैंडर्ड मतलब ये है कि जो अगला एग्जाम आएगा ना उसमें स्टैंडर्ड थोड़ा और ज्यादा होगा तो हमें थोड़ा सा और ज्यादा स्टैंडर्ड होके पढ़ना है आप थोड़ा सा पेपर एनालाइज करोगे जितना मैंने एनालाइज किया है तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ा सेम ही अगर यूपी पीजीटी की बात करोगे तो वहां भी पहले बेसिक्स क्वेश्चन आते थे

ऐसा करेंगे तो हो सकता है उससे थोड़ा सा एडवांस पूछेगा तो क्वेश्चन राइट ठीक है इसलिए आराम से पढ़ो और पहली बात ये मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है बस एक दो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी वो भी नाम याद करना पड़ेगा एलिमेंट का बाकी उसके बाद हर चीज कॉन्सेप्चुअल है मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा आपको रटना कुछ नहीं है मैं फिर से बोल दे रहा हूँ मैं जितनी चीजें आपको पढ़ाऊंगा आपको रटना कुछ भी नहीं आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए और समझ में आएगा आपको बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बस मेरी बात और आपसे एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे गलत नहीं होंगे ठीक है चलो तो पहले हम ये देख लेते हैं में हमें पढना क्या क्या है ठीक है तो यहां हम लिखते हैं केमिस्ट्री, ठीक तो देखो इसमें पढ़ना क्या क्या पहले वो पता चल जाएगा सबसे पहले यहां पर आप चाहे लेंथनाइट की बात करें एक्टोनाइट्स की इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन दोनों केस में इलेक्ट्रॉनिकेशन लेंट्रोन का राइट ऑक्सीडेशन स्टेट उनके बारे में ठीक है, क्या होती है? बहुत आता है. फिर उसमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग है वो बहुत ईजी होता है आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कुछ है नहीं वो सिंपल जो स्टेबिलिटी वाला पोर्सन है उसी को उसने रिडक्शन पोटेंशियल में कभी पूछ सकता है एग्जाम में वो हम पढ़ेंगे ठीक है फिर उसके बाद हमें पढ़ना है उसके बाद एक्टोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ठीक है एक्टिनोइड कॉन्ट्रेक्शन फिर हमें पढ़ना है इसमें कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अब ध्यान से चीज सुनो यहीं पे ये पोर्सन अब इंपॉर्टेंट होने लगा ठीक है क्यों क्योंकि पहले बेसिक से सवाल आते थे यहां से यहां 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 से 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 अभी क्वेश्चन जो है यहां से जाता है और थोड़ा सा अब depth में जा रहा है वो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ जितना एग्जाम में अभी तक हुआ है मुझसे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जिससे एग्जाम के हमारे क्वेश्चन हो जाए राइट अगला हमें जो यहाँ पे करना है वो है ध्यान सुनो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेंथनाइट की भी और एक्टोनाइट की दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसका होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ठीक है और एक चीज जो इंपॉर्टेंट इसकी पार्ट होती है वो क्या होती है सेपरेशन सेपरेशन ऑफ इट एंड एक्टनाइट ठीक है इतनी नमस्कार भैया इस इतनी बातें हमें पढ़नी है इसमें राइट और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेनिस को आप लाइटली मत लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और फिर हम साथ में एप्लीकेशन पार्ट भी पढ़ेंगे किसी भी लेंथोनाइट का जैसे सीरियम जो होता है वो वो ग्लास ब्लोअर जो होते हैं मतलब जो लोग कभी आप देखो ना ग्लास पिघलाते हैं लोग तो वो लोग एक चश्मा लगाते हैं उसमें जो होता है सीरियम यूज़ होता है तो वो चीजें हम देखेंगे क्यों यूज हो रहा है एज एम आर आई एजेंट जो MRI, आप सुने होगा ना मैग्नेटिक इमेजिंग टेक्निक होती है एम तो ऐसे भी जानते हो आप मेडिकल से रिलेटेड टर्म है आप सुने जरूर हो तो उसमें जो इनके एप्लीकेशन पार्ट है वो भी हम पढ़ेंगे ठीक है तो बहुत डफ तो मैं नहीं जाना लेकिन हमें इतना जरूर जाना है कि जितना हमारा एग्जाम का क्वेश्चन जो है हमसे आराम से हो जाए ठीक ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लॉक के बारे में फिर उसके बाद लेंथ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूशन क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बाकी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ठीक है तो आप बिल्कुल इतमान से जब जितना देर में बोलूँ उतना देर आपको सुनना है उसके बाद जब मैं शांत हो जाऊंगा तो आप बोर्ड पे जो भी लिखा होगा आराम से उसको कॉपी कर लेना उसको लिख लेना ठीक है आराम से ठीक है और रटना कुछ नहीं पड़ेगा आपको सब समझ में आएगा चलो तो पहले बेसिक से डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग एफ ब्लॉक केमिस्ट्री की और यहां से समझते जा, समझने जा, समझ, समझते जाना ठीक है और साथ साथ में हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे जिससे आपको ये आइडिया लग रहा ये आइडिया आपको रहेगा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो एग्जाम में आपको उस तरह से क्वेश्चन आते हैं फिर आपको जो है नहीं बेटा नेट के लिए नहीं है नेट के लिए थोड़ा सा मुझे अपर जाना पड़ेगा उसमें ठीक है उतना मैं डेफ्त में नहीं जाऊंगा यहाँ पे बेसिक क्लास आप देख सकते हो ठीक है थोड़ी बहुत बेसिक क्लास आप देख सकते हो अगर आप लेकिन पढ़ोगे थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा बट नेट के लिए नहीं है ठीक है नेट के लिए मैं थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाता हूँ राइट ठीक है तो वो उतना मुझे नहीं जाना बेसिक चीजें बतानी उतना नहीं पढ़ानी मुझे ठीक है चलो देखो देखो सबसे पहले ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है तो सिंपल देखो हमारे पास ये न्यूक्लियस है ऐसे कर देते हैं हम राइट right? जो सबसे बाहर की सेल होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट सेल क्या बोलते हैं उसको अल्टीमेट सेल बाहर वाली सेल के जो अंदर वाली सेल होती है उसको बोलते हैं हम लोग पेनल्टी मेड सेल पेनल्टी मेड सेल और उसके जो अंदर होती है उसको बोलते हैं हम लोग एंटी पेनल्टी मेड सेल एंटी पेनल्टी मेड सेल राइट ये पीजीटी की भैया अभी ये टीजीटी की नहीं बनना ठीक है ये पीजीटी की है राइट right? तो देखो जो किसी भी ब्लॉक का जब तो आप इलेक्ट्रॉनिक लिखते हो क्या लिखते हो आप एन माइनस टू एफ वन टू फोरटीन एन माइनस वन डी जीरो टू वन उसके बाद लिखते हो एन टू यही लिखते हो ना तो ये आपका है अल्टीमेट ये आपका क्या है पेनल्टीमेट राइट right? मैं यहां पे देखो दिखा दे रहा हूं जो बाहर वाली है क्या ये अल्टीमेट हो गई उसके अंदर वाली क्या हो गई पेनल्टी मेट हो गई उसके अंदर वाली क्या हो गई एंटी पेनल्टी मेट हो गई ठीक है राइट अब ध्यान से देखो ये हमारा है एंटी पेनल्टीमेट तो जो एफ होती है वो किसमें होती है एफ सबसेल होती है एंटी पेनल्टी मेट सेल में तो ये हमारा एफ इस वाली में है इसमें नहीं है मतलब जो बाहर की सेल होगी उससे जो अंदर की सेल होगी उससे जो अंदर की सेल होगी वहां पे हमारी है क्या है एफ सबसेल तुम क्या लिखेंगे सिंपल कि जब किसी भी सिस्टम में ध्यान सुनो जब किसी भी सिस्टम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टी सेल की एफ में जाता है राइट बाहर वाली क्या हो गई अल्टीमेट उसके अंदर वाली क्या हो गई मेड उसके अंदर क्या होगी एंटी पेनल्टी मेड तो जो एफ आपकी ऑर्बिटल है या जो एफ आपका सेल है वो एंटी पेनल्टीमेट सेल में है तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर वेन कैसे लिख सकते हो वैन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटरस इंटू ऐसे लिख सकते एलिमेंट्स इन विच ऐसे लिख सकते ना यहां मैं लिख सकता हूं डेफिनेशन देखो क्या लिखेंगे एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटरस इंटू एंटी मेड ठीक है एंटी पेनल्टीमेट एफ सब सेल देन एलिमेंट्स आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन कहां फेल हो रहा है एंटी पेनल्टी मेट एफ सब सेल में राइट right? तो ये मैं सोच रहे हैं, बाहर की ऑर्बिट था 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 जो एफ ब्लॉक की ऑर्बिटल या एफ है वो जो बाहर की सेल होगी उसके बाद जो अंदर की सेल होगी उसके बाद जो अंदर की सेल होती है एफ right? सबसेल उसके 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 और जहां होती है उसको क्या बोलते हैं एंटी पेनल्टी मेट तो क्योंकि एफ में है इसलिए हमने लिखा कि ऐसे एलिमेंट जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एल्टी पेनल्टी मेट एफ सबसेल में होता है या एंटर करता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग ए ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है ये सिंपल डेफिनेशन हो गई ये की. ठीक। अब एब्लॉक एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ठीक है तो जो एब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक फोर एफ सीरीज एलिमेंट्स और एक दूसरा हमारे पास क्या है फाइव एफ सीरीज एलिमेंट्स फाइव एफ सीरीज एलिमेंट्स जो फोर एफ सीरीज है इनको हम लोग क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं और जो फाइव एफ सीरीज है इनको क्या बोलते हैं हम लोग एक्टीनोइट एक चीज ध्यान से सुनो लेंथनाइड एक्टिनोइड्स की हर एक लाइन ये ऐसा टॉपिक है जैसे बाय ऑर्गेनिक है सेम वो ऐसा टॉपिक है जिसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप जितना कुछ लिख रहे हो ना

नहीं बेटा देख मिला नहीं एक्चुअली मैंने मैंने कल देखा था तो कुछ एक्चुअली दिखा नहीं रहा था कुछ पता नहीं चला उसका ठीक है खैर आप जो क्लास है ना जो नेट मैं नेट के लिए पढ़ाता हूँ वहाँ आप क्लास देख सकते हो ठीक है अब देखो लेंथनाइट्स कहां से कहाँ तक होता है सीरियम से लेके ल्यूटीसियम तक कहा से फिफ्टी एट से लेके सेवेंटी वन एक्टोनाइट्स से कहां होता है थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक कहां से 90s से ले लेके वन जीरो थ्री कितने एलिमेंट हो गए यहां पर फोर्टीन एलिमेंट्स राइट और यहां भी कितने हो गए फोर्टीन एलिमेंट्स ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन दोनों के केस में सिंपल एन माइनस टू एफ वन जीरो टू फोर्टीन कर देना ठीक है एन माइनस टू एफ जीरो टू फोर्टीन एन माइनस वन जीरो टू वन यहां डी यहां एफ एन एस यहां पे क्या होता है टू ठीक वैसे जनरली ये वन टू फोर्टीन लिखा जाता है बट मैं यहां पे जीरो इसलिए लिखा था कि जो थोरियम होता है ना थोरियम के केस में एफ में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होता थोरियम में आपका इलेक्ट्रॉन होता है डी में राइट

58 से लेके 71 तक वहां और उसके बाद अगले केस लिया पर से सुनो। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे में क्वारिनेशन का टॉपिक बड़ा टॉपिक है जैसे आपके पीजीटी में भी क्वारिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेन ग्रुप का टॉपिक बड़ा है एस एंड पी ब्लॉक में एस ब्लॉक बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन

जितना आप स्टडी मेन ग्रुप में करते हो जितना मेन ग्रुप के टॉपिक को पढ़ते हो जितना आप कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो जितना आप ऑर्गेनोमेटेलिक का बड़ा टॉपिक पढ़ते हो क्या उतना टॉपिक हम लोग ब्लॉक ब्लॉक में में पढ़ते हैं बताओ क्या में उतनी चीजें हम लोग पढ़ते हैं कभी अभी इनऑर्गेनिक से आपसे कोई दो चार टॉपिक पूछेगा आप क्या बोलोगे कोऑर्डिनेशन मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक इन सब की बातें करते हो ना आप ब्लॉक तो बहुत बाद में आता है सबसे लास्ट में इसका नाम निकलता है वो भी याद रहा तो निकला नहीं तो फिर ये भी नाम नहीं निकलता पता है क्यों ऐसा होता है क्यों ऐसा होता है क्यों ब्लॉक के बारे में हमको ज्यादा पता नहीं है ब्लॉक के बारे में हम पढ़ते कम क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एफ ब्लॉक है ना ध्यान सुनो एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री उतनी ज्यादा नोन नहीं है उतनी ज्यादा पता नहीं है उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है जितनी डेवलप्ड केमिस्ट्री किसकी है मेन ग्रुप की या डी ब्लॉक की इसीलिए आपको ए ब्लॉक के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है या ब्लॉक के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि उनकी केमिस्ट्री ज्यादा डेवलप नहीं है अब सवाल कि कि यह है तो वो समझते हैं देखो तो यहां मैं लिखता हूं केमिस्ट्री ऑफ इससे आपको क्यों समझना चाहिए कि क्यों ए ब्लॉक आपके लिए इतना जब आप किसी एग्जाम में देखते हो तो आपको ज्यादा बेटे वाले टॉपिक क्या मिलते हैं सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन से फिर क्वेश्चन आता है आपको मेन ग्रुप से ए ब्लॉक से क्वेश्चन ज्यादा क्यों नहीं आता रीज़न यही है कि एफ ब्लॉक के बारे में ज्यादा काम हुआ नहीं है ज्यादा केमिस्ट्री के बारे में पता नहीं है क्यों नहीं है वो समझते हैं केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक इज लेस डेवलप्ड राइट देखो समझने की कोशिश करो देखो लेंथोनाइट केस में क्या होता है केस ऑफ लेंथनाइट लेंथोनाइट हमेशा क्यों है केस ऑफ लेंथनाइट देखो सर में अगर आप ऑर्बिटल लिखोगे तो आपके पास यहाँ फोर एफ ऑर्बिटल फिर फाइव डी ऑर्बिटल ऐसे होता ना भाई सबसे बाहर 6S होगा उसके बाद फाइव डी होगा उसके बाद फोर एस होगा राइट अब मान लो यहाँ पर कोई भी लिगेंड आया इसको इससे इंट्रैक्ट करना है इससे इंटरेक्शन करना है तो जरा ध्यान से देखो लिगेंड के ज्यादा क्लोजर ऑर्बिटल सिक्स है

इट में जो फोरे ऑर्बिटल है उसका लिगेंड से इंट्रेक्शन क्या है क्योंकि दूर दूर है तो यहां जो इंटरक्शन होगा लिगेंड के बीच में और इंटरेक्शन राइट और डी ब्लॉक में जो इंटरेक्शन होगा उसके कंपेरिजन में क्या होगा गुड इंटरक्शन जहां ज्यादा इंट्रेक्शन होगा वहां पर क्या बनेगा जितना बढ़िया इंट्रक्शन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी उतनी क्या होगी ज्यादा तो यहां क्या होगा मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल भी होगा मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी यहां क्या होगा पुअर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी मतलब ये लोग कॉम्प्लेक्स बनाना बनाना पसंद नहीं करते पुअर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ये सेम उसी तरह से है जैसे एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा मिलनसार है बहुत सारे लोगों से मिलता है बातचीत करता है अगर आप किसी से मिलते हो बातचीत करते हो तभी तो आपके बारे में उसको पता चलेगा तभी तो उसके बारे में दुनिया को पता चलेगा तो वो काम कौन करता है डी ब्लॉक क्योंकि यहाँ पर इंट्रेक्शन क्या होता है स्ट्रॉन्गर एप ब्लॉक वाले बहुत पुअर इंट्रेक्शन करते हैं तो अगर पुअर इंट्रेक्शन करेंगे तो इंट्रेक्शन क्या हुआ वीक इसका मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या है पुअर तो कॉम्प्लेक्स ये लोग ज्यादा बनाएंगे नहीं जो कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेंगे नहीं तो ज्यादा स्टडी नहीं होगी ज्यादा स्टडी नहीं होगी तो हमें पता थोड़ी चलेगा भाई जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ज्यादा स्टडी होगा मान लो एक से एक सिस्टम सौ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो सबकी स्टडी हो गई एक सिस्टम दो कॉम्प्लेक्स बनाता है दो ही की स्टडी हो गई तो ज्यादा आइडिया आपको किसके बारे में होगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किसकी होगी डी ब्लॉक की की।, की नहीं होगी क्यों क्योंकि एफ ऑर्बिटल क्या है अंदर है तो क्यों ये लोग इनकी केमिस्ट्री लेस डेवलप्ड है क्योंकि जो f ऑर्बिटल होती है लेंथोनाइट्स में उसका पुअर इंटरेक्शन होता है राइट right? इसको बोलते हैं इन केस ऑफ लेंथोनाइट, इसको बोलते हैं लेंथोनाइट्स में होता है दिस इज ड्यू टू डीप बरीड नेचर ऑफ 4f ऑर्बिटल तो जो 4f ऑर्बिटल्स है वो काफी अंदर की तरफ होती है डीब्रीड का मतलब अंदर धंसा होना काफी अंदर होने की वजह से सराउंडिंग से इंटरेक्शन पुअर करेगा इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी पुअर इसलिए उसके ज्यादा कॉम्प्लेक्स पता नहीं है इसलिए केमिस्ट्री ज्यादा डेवलप नहीं है इसलिए जब भी आप सिलेबस देखते हो कभी आपको तो आपको के बारे में कम पता होता है जितना आपको कोऑर्डिनेशन का पता है जितना आपको MC का पता है जितना आपको मेन ग्रुप का पता है उतना आपको ब्लॉक का पता इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये लोग कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि ऑर्बिटल इतनी अंदर है कि वो सराउंडिंग से इंटरेक्शन क्या करेगी पुअर

बताओ ये बात समझ में आ रही है बोलो तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ लेंथोनाइ्स के बारे में ज्यादा क्यों नहीं पढ़ते हो आप किताब में ज्यादा क्यों नहीं लेंथोनाइट्स के बारे में तो बोल सकते हो ना कि बुक्स में लेंथोनाइ के बारे में ज्यादा क्यों नहीं है क्यों मेन ग्रुप के बारे में ज्यादा है क्यों कोऑर्डिनेशन के बारे में ज्यादा चैप्टर दिए होते हैं बोल सकते हो कि नहीं बाकी लोग बताओ ये बोल सकते हो कि नहीं आप क्यों आपको लेंथोनाइट्स के बारे में दस पेज दिया होता है किताब में कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको सौ पेज दिया होता है बता सकते हो ना क्योंकि इनकी केमिस्ट्री कम डेवलप्ड है क्यों है यहां से अब एक्टोनाइट्स में क्या होता है चलो लेंथोनाइट्स में तो इसलिए है क्योंकि डीप बरीड है ठीक है इन केस ऑफ एक्टोनाइट्स दिस इज ड्यू टू रेडियो एक्टिव नेचर क्योंकि जितने भी एक्टोनाइट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं दिस इज ड्यू टू रेडियो एक्टिव नेचर और आपको पता है वो जो होता है अल्फा बीटा गामा रेज ये सब एमिट करेगा अगर ये सब इमिट करेगा तो आपको क्या? आपको सी बात है। क्या उनकी हो सकती है? नहीं। एक तो उनको करना है पहली बात सेकंड बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिनकी हाफ लाइफ बहुत कम है बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं आप पता लगा कॉम्प्लेक्स बना रहे वो टूट ही टूटा ही चला जा रहा है तो क्या उसकी स्टडी आसानी से कर सकते हो नहीं तो एक्टोनाइड्स में क्यों नहीं होता क्योंकि रेडियो एक्टिव नेचर है सबका और जितने भी एक्टोनाइड्स है ध्यान रखना सारे के सारे एक्टोनाइट रेडियो एक्टिव है ऑल द एक्टोनाइड्स आर रेडियो इन नेचर ऑल द एक्टोनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर तो जब रेडियो एक्टिव है इसका मतलब खुद ही ब्रेक हो रहा है खुद ही टूट रहा है इसलिए इसकी भी स्टडी ज्यादा नहीं है तो उम्मीद करता हूं आपको अब आज से समझ में आ गया होगा कि जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो क्यों एप ब्लॉक में ज्यादातर आपको दस पंद्रह पेज मिलता है कोऑर्डिनेशन में आपको ज्यादा पेजेस क्यों मिलते हैं बुक में मेन ग्रुप में ज्यादा पेजेस क्यों मिलते हैं में ज्यादा क्यों मिलते हैं क्योंकि उनकी केमिस्ट्री ज्यादा डेवलप है क्योंकि वो लोग बढ़िया इंटरेक्शन करते हैं इन लोग की क्यों नहीं है क्योंकि ये लोग इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं करते समझ में आया बताओ ये बात क्लियर हुई कि बुक में इनके बारे में ज्यादा क्यों नहीं दिया रहता इसीलिए नहीं दिया रहता को दुश्मनी थोड़ी है कि क्योंकि ज़्यादा पता ही नहीं इसके बारे में क्यों नहीं पता एक बॉन्ड नहीं बनाता दूसरा वाला है, वो है तो बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा तो क्या ही फर्क पड़ता है इतना इतना डेंजरस केमिकल है और हाफ लाइफ क्योंकि ये लोग कंटिन्यूसली अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करते रहते हैं तो इनको हैंडल करना भी मुश्किल है दूसरा टूट जा रहे हैं खुद ये तो आज से एक चीज क्लियर कर लो कोई पूछे कि में कम पेजेस क्यों है बता देना किस वजह से होता है ठीक है राइट बाकी सब में ज्यादा क्यों इस वजह से चलो अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं ठीक यहां तक कुछ रटना नहीं है आपको कुछ भी आपको रटना नहीं है होपफुली आगे भी आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी ठीक है तो ध्यान से समझो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे पहले उसके बाद फिर एक्टोनाइट सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर अच्छा इनको इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं ये तो पता है ना जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं ना या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनर ट्रांजिशन मेटल है ना चलो लेंथोनाइट्स में देखो ध्यान से इसमें क्या होता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है कहां इंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इंटू फोर एफ सेल राइट ठीक है इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको रेयर अर्थ मेटल्स लेकिन अभी जो है प्रेजेंट टाइम में डेज नाउ डेज या इन ऐसे लिख सकते हैं नाउडेज ये अप्रोप्रिएट नहीं है दिस टर्मिनोलॉजी इस इस लाइन को ध्यान से सुनना टर्मिनोलॉजी इज नॉट्रोप्रिएट मैं समझाता हूं इनको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं लेकिन present time में इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्यों क्योंकि शुरुआत के टाइम पे जब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ऐसा पता लगता था कि ये लोग बहुत रेयर है नेचर में ज्यादा है नहीं है या इनका बहुत रेयर का मतलब होता है बहुत माइन्यूट अमाउंट पाया जाना लेकिन धीरे धीरे जब डिस्कवरी होना शुरू हुई तो ऐसा देखा गया कि नहीं इतने भी माइन्यूट नहीं है कि इनको रेयर बोला जाए क्या बोला हूं मैं इतने भी कम कंसंट्रेशन में ये लोग नहीं होते कि इनको रेयर बोला जाए तो प्रेजेंट टाइम इनको रेयर बोलना सही नहीं है लेकिन हाँ ये नाम आप रखना कि इनको रेयर अर्थ मेटल भी बोला जाता था ठीक है रेयर अर्थ मेटल भी बोलते थे अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है क्योंकि बिकॉज दे आर फाउंड इन कंसिडरेबल अमाउंट फाउंड इन कंसिडरेबल अमाउंट राइट ये मिलते हैं इन नेचर बस एक को छोड़ के ध्यान से सुनो इस एलिमेंट का नाम ध्यान रखना एक्सेप्ट प्रोमिथियम एग्जाम में पूछा जाता है एक्सेप्ट प्रोमिथियम ये ये नेचर में नहीं होता मतलब ये नेचर में क्या होता है डिग्रेडेशन से बनता है ये क्या होता है इसके पास नो स्टेबल आइसोटोप। ये नेचर में नहीं पाया जाता ठीक है मतलब ये कैसे होता है इट इज फॉर्म बाय रेडियो एक्टिव डिके रेडियो एक्टिव डिके इसे ध्यान रखना प्रोमिथियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है और रेडियो एक्टिव डीके के थ्रू बनता है नेचर में नहीं मिलता बाकी सारे नेचर में आपको मिलेंगे जैसे आप पढ़ते हो ना ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या आर्टिफिशियल है वो कहीं कही ना कहीं किसी से डिसंटीग्रेशन से बनते हैं सेम प्रोमिथियम का भी वही हाल है प्रोमिथियम भी जो है डिस इंटीग्रेशन से बनता है नेचर में एज सच नहीं मिलता ये ठीक है मतलब किसी के ब्रेक होने से बनता है नाम इसका जरूर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ठीक है राइट right? बाकी सबके पास जो है स्टेबल आइसोटोप होता है तो रेयर अर्थ पहले बोलते थे लेकिन अभी बोलना सही नहीं है ठीक है तो ये हो गया इसके बारे में दो चीजें ध्यान रखना है यहां पर आपको ठीक बताओ इतनी बात क्लियर है अब लेंथोनाइट्स में आगे चलते हैं ठीक है आगे चलते हैं देखो लेंथोनाइट्स में यहां पे पढ़ते हम लोग लेंथोनाइ में इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट ये लेंथोनाइट्स के लिए ले भी इंपॉर्टेंट है एंड एक्ट्रोनाइट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर लेंथोनाइट्स ये इंपॉर्टेंट पार्ट है चलो लिखते हैं इधर ठीक है लिखो मेरे साथ में बस ये नाम आपको ध्यान रखना ठीक है लेंथनाइट्स का ठीक है इधर लैंथेनम 57, 58, 59, 60 ये न्यूडाइमियम है एन डी सिक्सटी 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 वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेवेंटी सेवेंटी वन ध्यान रखनाइट नहीं है डी ब्लॉक का है बट साथ में इसको लिखा जाता है इसलिए लिख दिया जाता है कि इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है आपकी धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों सिमिलर होती है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूशन जब आप लिखो यहां पर आपको जीनोन यहां लिखोगे फोर एफ जीरो फाइव डी वन सिक्स एस टू इसमें करोगे तो यहां पर एफ में इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हो जाएगा फोर एफ वन फाइव डी वन सिक्स एस टू बस सिंपल आपको इलेक्ट्रॉन एंटर करना पड़ेगा बस ये ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है यहां करोगे देखो इधर पहले एक चीज देख लो फिर लिखना इधर देखो जब आप प्रोमिथियम पे तो यहां पे क्या होगा सेम जी नॉन वही यहां पर जाता है फोर एफ थ्री फाइव डी जीरो सिक्स एस टू फिर फोर एफ फोर कर दो सिक्स एस टू देखो यहां पर फोर एफ थ्री क्यों हुआ क्योंकि डी का इलेक्ट्रॉन भी कहां चला है एफ में पहले क्या था एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं था G9 में क्या जीना सीरियम में ध्यान रखना एफ में भी इलेक्ट्रॉन होता है और डी में भी इलेक्ट्रॉन होता है इंपॉर्टेंट है ठीक है गलत मत करना नहीं इसका कंफ्यूगेशन पूछ ले गलत लिख दो यहाँ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं होते एक इलेक्ट्रॉन एफ में होता है एक इलेक्ट्रॉन डी में होता है क्यों होता है मैं समझाऊंगा अभी उसके बाद जैसे आप अगले मेंबर में आते हो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं एफ में क्योंकि यहां से आने पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा तो टोटल थ्री इलेक्ट्रॉन हुए उस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहा चले गए एफ में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ से फोर एफ फाइव फाइव डी जीरो सिक्स एस टू फोर एफ सिक्स सिक्स एस टू फोर एफ सेवन सिक्स एस टू राइट यहां देखो ध्यान से इधर देखो फोर क्या है हाफ फील्ड यहां फाइव डी लिख देता हूं मैं ये हाँ फिल्ड हो गया अभी अगला जो है अगर अगर इसमें इसमें भरोगे भरोगे तो क्या क्या और तो तो करोगे आप देखो 4F7, 5D1, 6S2, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, तो है, है। क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूं भाई देखो क्यों नहीं है क्योंकि हाफ फिल्ड है सिस्टम राइट देखो यहां हाफ फिल्ड है

ये नहीं होगा यही होगा आगे आते हैं टीबी टीबी में तो यहां पर देखो यहां पर हो जाता फोर एफ नाइन फाइव डी जीरो पर फोर एफ एट फाइव डी वन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ इधर मैं समझा देता हूं साथ में देखो टीबी में आप ऐसे लिख सकते थे फोर एफ एट फाइव डी वन सिक्स एस टू लेकिन ये नहीं लिखते हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग फोर एफ नाइन फाइव डी जीरो सिक्स एस टू हमेशा डी में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब ये कन्फिग्रेशन स्टेबल हो और एफ का दो कंडीशन में स्टेबल होता है एक हाफ फील्ड दूसरा फुल फील्ड तो जो F8 है हाफ फील्ड फुल फील्ड थोड़ी है F8 क्या हाफ फील्ड है नहीं F8 क्या फुल फील्ड है? है नहीं इसलिए ये स्टेबल नहीं सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा आपका इसमें फोर एफ नाइन फाइव डी जीरो सिक्स एस टू तो d में इलेक्ट्रॉन वहीं रहेगा जहां पर f या तो सेवन होगा या तो f फोर्टीन होगा समझ गए बाकी जगह पे सारे इलेक्ट्रॉन कहा लिखना है आपको f में लिखना है ठीक क्यों f उसमें कर रहे हम लोग क्योंकि जो f सेवन होता है वो हाफ फिल्ड होता है जो f फोरटीन होता है वो फुल फिल्ड होता है यहां देखो सेम यहां पर फोर एफ टेन फाइव डी जीरो सिक्स एस टू फोर एफ इलेवन फाइव डी जीरो सिक्स एस टू फोर एफ ट्वेल्व फाइव डी जीरो सिक्स एस टू फोर एफ थर्टीन सिक्स एस टू फोर एफ फोर्टीन फाइव डी जीरो सिक्स एस टू अभी देखो फोर एफ फोर्टीन अब यहां अगला इलेक्ट्रॉन कहां आएगा डी में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेंथ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पूछता है गेडुलियम का तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा है कि का इलेक्ट्रॉनिक क्या है तो ये मत कर देना 4F, 7, 5, जहां भी आपको ऑर्बिटल हाफ फील्ड दिखे ए, जहां भी फुल फील्ड दिखे वहां पर इलेक्ट्रॉन डी में रहेगा जहां नहीं है वहां नहीं होगा ठीक है अब यहां मत कर देना क्योंकि यहां तो आप पूरा करोगे तो बैलेंस हो जाएगा ठीक है यहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूं ठीक इसमें भी फोर एफ नाइन फाइव डी जीरो सिक्स एस टू लिखना है

इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन कितना इंपॉर्टेंट है देखो अभी मैं क्वेश्चन देता हूं क्वेश्चन है टीबी ऐसे क्या लिखा हुआ है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कंफिग्रेशन ऑफ टीबी इज आरपीसी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है ना उसमें आया था देखो स्टेट ऑप्शन क्या क्या है इसमें पहला ऑप्शन है फोर एफ नाइन फाइव डी जीरो सिक्स एस टू दूसरा स्टेट ऑप्शन है फोर एफ सेवन फाइव डी वन सिक्स एस टू तीसरा है फोर एफ सेवन सिक्स एस टू और फोर्थ है फोर एफ एट फाइव डी वन सिक्स एस टू बताओ क्या आंसर होगा इसका बताओ टीबी टीबी का इलेक्ट्रॉनिक कम्युकेशन क्या होगा देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि टीबी में कितना इधर देख लो टीबी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है इधर टीवी में होता है 65 राइट right? तो टीवी टीवी में होता है 65 और इसमें क्या होता? है पहले जीनोन जीनोन का कितना निकाल दोगे 54 तो 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको बाहर की सेल में 11 इलेक्ट्रॉन होगा तो देखो यहाँ तो 7 1 2 ये रॉन्ग है यहाँ ये भी रॉन्ग है क्योंकि ऐसे लिखा जाता है ना जीनोन के बाद 4f फिर 5d फिर 6s

करोगे क्या आप ये वाला ये नहीं फोर एफ एट फाइव डी वन सिक्स टू मत लिखना क्योंकि में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब ये क्या होगा या तो एफ सेवन हो या तो एफ फोर्टीन या, तो या तो क्या हो फुलफिल्ड या तो क्या हो हाफ फिल्ड या तो फुलफिल्ड हो या तो हाफ फिल्ड हो तो मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से आना चाहिए ठीक है राइट समझ गए ना क्लियर है बात ये बोलो ये बात समझ में आई तो जब भी कभी आप डी में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वो या तो हाफ फिल्ड होगा या तो फुल फिल्ड होगा चलो आगे चलते हैं इधर देखते हैं ठीक ऑक्सीडेशन स्टेट में इधर लिखता हूं इधर मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट राइट ऑक्सीडेशन स्टेट इधर भी मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है तो लेंथनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस थ्री यहां पर प्लस थ्री प्लस फोर यहां पर प्लस थ्री प्लस फोर यहां पर प्लस थ्री प्लस फोर यहां पर प्लस थ्री यहां पर प्लस टू प्लस थ्री यहां पर प्लस टू प्लस थ्री यहां पर प्लस थ्री टीवी में जैसे आओगे प्लस थ्री प्लस फोर फिर प्लस थ्री प्लस फोर फिर प्लस थ्री उसके बाद फिर प्लस 3, टू एस प्लस थ्री कर सकते हो प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री और प्लस थ्री ये ऑक्सीडेशन स्टेट है एक चीज में ध्यान से देखना है आपको इनमें सब जगह एक ऑक्सीडेशन स्टेट सबके पास है कौन सी वाली ना ना याद नहीं करना बेटा वो सब अभी समझा दूंगा याद नहीं करना वो आपको सब कुछ समझ में आएगा परेशान मत हो ठीक है वो मैं समझा दूंगा कहां है तो क्यों है वहां पे ठीक है डोंट वरी राइट right? एक चीज पहले बताओ इनमें से आपको ऐसी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सबके पास दिख रही है प्लस थ्री ना तो क्वेश्चन आता एग्जाम में द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल द लेनाइट इज वॉट राइट तो यहां से एक स्टेटमेंट हम क्या ले सकते हैं हम क्या ले सकते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में द मोस्ट कॉमन ध्यान रखना मोस्ट कॉमन और इस टेबल देखो हमने देखा कि कहीं पर प्लस टू लिखा हुआ है प्लस थ्री के साथ कहीं पर प्लस थ्री के साथ प्लस फोर लिखा हुआ कुछ भी लिखा हो लेकिन ध्यान रखो हर की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है प्लस थ्री है जैसे मान लो किसी के पास प्लस टू प्लस थ्री है तो भी स्टेबल प्लस थ्री होगा किसी के पास प्लस थ्री प्लस फोर है तो भी स्टेबल प्लस थ्री मतलब ज्यादा स्टेबल प्लस थ्री वाला ही है सब में तो मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल द लेंथोनाइड्स फॉर ऑल द लेंथनाइड्स इज़ प्लस थ्री भूलना मत कहीं भी कोई भी है प्लस टू है तब भी स्टेबल प्लस थ्री होगा प्लस फोर है तब भी स्टेबल प्लस थ्री होगा और देखो ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे एग्जाम में देखो मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं ठीक है ऐसे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आते थे क्वेश्चन क्या है देखो ये आरपीएससी का क्वेश्चन ये भी है क्वेश्चन है तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर इज तो आप गड़बड़ मत करना ए बी सी डी प्लस थ्री है प्लस टू है प्लस वन है और जीरो है तो देखो किसी किसी के पास प्लस टू है तो गड़बड़ ऐसा मत कर देना कि प्लस टू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पे हो सकता था प्लस फोर लिख दे अभी तो आप आंसर क्या लगाओगे इसमें मैं क्वेश्चन इसलिए रहा हूं कि आप गड़बड़ मत कर देना क्या लिखोगे आप पहला आंसर लिखोगे ठीक है प्लस टू है लोगों के पास लेकिन प्लस टू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस थ्री यहां मैंने वही लिखा था ठीक है तो जितने भी लेंथनाइट है सबकी जो मोस्ट कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है वो प्लस थ्री है चलो ये बात समझ में आई बाकी लोग भी यस नो बोल सकते हो जो क्लास में हो ये बात समझ में आई तो हमने देखो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दो क्वेश्चन किए इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है ठीक है अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स से क्वेश्चन करेंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट है मतलब एप ब्लॉक का हर एक लाइन हर एक चीज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कलर बाकी जितनी भी चीजें सब कुछ इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो आगे चलते हैं देखो फिर से आते हैं पीछे तक अब पहले एक चीज मैं आपको समझाता हूँ देखो गैडोलिनियम में मैंने आपको बता दिया कि यहां पर डी में इलेक्ट्रॉन क्यों आया राइट और ल्यूटीशियम में मैंने आपको बता दिया कि यहां पर डी में इलेक्ट्रॉन क्यों आया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डी में तब जाता है जब या तो हाफ फिल्ड होगा या तो फुल फिल्ड होगा फुल फिल्ड गया क्योंकि जगह नहीं बची है और हाफ जाता है राइट right? तो हाफ फील्ड फुलफिल्ड तो मैं लिख देता हूं एक चीज इधर जब कभी भी आप एफ सेवन आपके पास होगा या एफ फोर्टीन होगा ये दोनों कन्फिग्रेशन होंगे ठीक है तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा कहां जाएगा वो वो डी में जाएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू सब सेल इसके अलावा बाकी में अगर कहीं दिखे तो आप जान लेना कि वो गड़बड़ है वो वहां पर आपको सारे इलेक्ट्रॉन कहां भरने हैं एफ में यहां दो एग्जाम्पल में लिख देता हूं देखो जैसे गेडोलिनियम हुआ वहां पर क्या गेडोलिनियम में जीनोन फोर एफ सेवन फाइव डी वन एक्सट्रा इलेक्ट्रॉन कहा इसी तरह ल्यूटीसियम जीनोन यहां पर फोर एफ फोर्टीन फाइव डी वन सिक्स टू बाकी आपको में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा कहीं एक जगह मिलेगा आपको और कहां पे सीरियम में ऐसा क्यों है वो समझाता हूं मैं आपको देखो में इलेक्ट्रॉन कहां कहां है में इलेक्ट्रॉन यहां पे आपको मिल रहा है यहां पे आपको मिल रहा है और यहां पे आपको मिल रहा है तो इन दोनों का रीजन क्या है हाफ फिल्ड इसका रीजन क्या है फुल फिल्ड इसका समझते हैं कि सीरियम में ऐसा क्यों है सीरियम में इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रॉन एफ में क्यों नहीं आ गया क्यों डी में इलेक्ट्रॉन चला गया कौन? ब्लॉक क्यों नहीं होता प्रॉपर्टीज बेटा मैच करती है ना इससे ठीक है प्रॉपर्टीज मैच करती है लेंथनाइट से कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करती है इट से डेल्टा वैल्यू इनकी बिल्कुल बेकार होती है ठीक है हालांकि डेल्टा वैल्यू सबकी बेकार होती है ठीक तो देखो ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज है इनकी वो मैच करती है दूसरा देखो एफ में इलेक्ट्रॉन तो है सिस्टम में डी ब्लॉक में एफ में इलेक्ट्रॉन कहां होता है राइट ठीक है भाई एफ में इलेक्ट्रॉन तो है ना यहाँ यहाँ डी ब्लॉक में एफ में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है सीरियम को समझो देखो सीरियम में ऐसा क्यों है यही पे देखते हैं देखो ध्यान से समझो हमारे पास ऑर्बिटल है हमारे फाइव डी ऑर्बिटल है यहां से यहाँ जा रहे हैं हम लोग देखो फोर एफ ऑर्बिटल है फाइव डी ऑर्बिटल है और सिक्स एस ऑर्बिटल है ठीक सीरियम है हमारे पास उसके बाद सीरियम से हम लोग जा रहे हैं पी आर में यहाँ हमारे पास है फिफ्टी एट यहां पर हमारे पास है फिफ्टी नाइन तो यहां से यहां जाने पर क्या बढ़ा है न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा है कि नहीं न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज करेगा ना क्योंकि 58 के बाद 59 में जाओगे तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा लेक्चर डाउनलोड नहीं होगा बेटा ठीक है आप पे दोबारा यूट्यूबारा देख लेना बार बार देख लेना राइट ठीक है अब देखो ध्यान से समझो पहले यहां पे फोकस करो थोड़ा तो आपको याद रहेगा वो जब आप सीरियम से पी पे आते हो तो यहां से यहां आने पर प्रोटोन नंबर बढ़ा प्रोटोन नंबर अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा अब न्यूक्लियर फोर्स इस ऑर्बिटल पे भी बढ़ेगा इस ऑर्बिटल पे भी बढ़ेगा इस ऑर्बिटल पे भी बढ़ेगा सब पे पे बढ़ेगा बढ़ेगा राइट लेकिन ज्यादा किस न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो फोर बढ़ेगा पे भी बड़ेगा, 5D बड़ेगा, पे बढ़ेगा 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 ज्यादा किस पे जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है किस पे ज्यादा बढ़ेगा उस ऑर्बिटल पे जो न्यूक्लियस के क्लोजर है ज्यादा क्लोजर कौन है फोर तो एफ इस पे जो न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट होगा वो क्या होगा मोर मोर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स इसके कंपेरिजन में यहां पर क्या होगा लेस इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ये बात सही है ना राइट right? भाई सिंपल सी बात है जो ज्यादा क्लोजर होता है उसी पर तो बातों का असर पड़ता है बाकी बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है आप उसको कुछ भी बोलोगे सुनेगा क्या आपकी नहीं सुनेगा हो सकता थोड़ा बहुत डरा धमका के भले सुन ले बाद में थोड़ी इधर तो, तो पी आर में क्या हो जाएगा देखो इसपे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स पड़ेगा तो ऑर्बिटल ज्यादा अंदर की तरफ जाएगी तो फोर एफ आपकी ज्यादा अंदर हो गई इस पर कम असर पड़ रहा तो ये ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ नहीं जाएगी तो ये कम मूव करेगी मतलब सिंपल ऐसे समझो कि फोर एफ ऑर्बिटल है ये इतना मूव किया है और ये इतना मूव किया है तो फोर एफ आपका यहाँ और फाइव डी आपका आ गया यहाँ तो जरा कंपेयर करो सीरियम ये था पी आर ये था पहले फोर एफ और फाइव डी के बीच में गैप क्या था लेस इनर्जी गैप लेकिन जब अब आप यहां से यहां मूव किए ना तो फोर एफ ज्यादा अंदर चली गई फाइव डी उतना अंदर नहीं गई मतलब फोर एफ का मूवमेंट न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा हुआ है फाइव एफ का मूवमेंट कम हुआ है इसका मतलब हुआ है कि अगर एक ऑर्बिटल ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ जा रही एक ऑर्बिटल कम मूव करेगी तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप बढ़ जाएगा ना भाई दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई इसका मतलब क्या है यहां मोर एनर्जी गैप है तो यहां पर क्या होता है फोर एफ और फाइव डी की ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां भी फिल होता है यहां भी फिल होता है

ऑर्बिटल आपकी थोड़ा कम मूव करेगी फाइव डी ऑर्बिटल कम मूव करेगी तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप बढ़ जाता है एनर्जी गैप बढ़ने का मतलब सिंपल ये हुआ कि आपकी ऑर्बिटल में ही अब सारा सारा का इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा समझ रहे हो इसलिए सीरियम के बाद बाकी मेंबर में, में सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है एफ ऑर्बिटल में जाता है डी में नहीं जाता क्योंकि एफ की एनर्जी ज्यादा डाउन हो जाती है कंपेरिजन टू डी ऑर्बिटल के क्यों ऐसा हुआ क्योंकि एफ न्यूक्लियस के क्लोज है डी न्यूक्लियस उतनी क्लोज नहीं है प्रोटॉन नंबर बढ़ने पर S पे F पे पे ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा इफ़ेक्ट 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 दिखाई दिखाई देगा, जहां देगा। उसकी एनर्जी कम इतना नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे आप प्रोटॉन नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे गैप जो होता है बढ़ जाता है इसलिए जितने भी आपने कॉन्फिगरेशन देखे एक्सेप्टेडुलियम एंड ल्यूटी हर जगह जो आपका इलेक्ट्रॉन है फोर एफ मेहडी में इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि एनर्जी गैप क्या हो रहा है बढ़ रहा है समझ में आया तो शुरुआत में गैप ये कम होता है जैसे आप प्रोटॉन नंबर बढ़ाओगे ये गैप क्या हो जाता है बढ़ जाता तो है ध्यान रखना यहां पर ये लिखना 4F2, 5D, 0, 6S2, मत लिखना मत यहां एनर्जी गैप कम होता है लेकिन आगे जैसे जैसे आप जाओगे प्रोटॉन नंबर बढ़ाओगे वो गैप बढ़ जाएगा इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे एफ ऑर्बिटल में डी में नहीं जाते डी में सिर्फ दो जगह जाएंगे गैडोलिनियम जहां पर f7 है और ल्यूटिशियम जहां पर F14 है 14 है समझ में आई बात ये शुरुआत में एनर्जी गैप कम होता है ठीक है अरे f f ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है भाई f ऑर्बिटल बाहर की तरफ ऐसे समझो इधर क्यों एनर्जी गैप का मैं देखो इधर 4f है ना 5d है आपको पता है f ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है एक्सटेंड ज्यादा करती है तो ये F ये एफ के काफी डी के काफी नजदीक रहती है शुरू में इसलिए एनर्जी डिफरेंस दोनों में क्या होता है कम लेकिन जब न्यूक्लियर सोर्स बढ़ेगा तो ये काफी अंदर चली जाएगी ये उतनी अंदर नहीं आती तो यहाँ एनर्जी गैप वही इंक्रीज कर जाता है एनर्जी गैप बढ़ जाता है वही इधर मैंने दिखाया आपको इसलिए बाकी सब में सिर्फ एफ में इलेक्ट्रॉन आता है डी में इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो सीरियम वाला ध्यान रखना ठीक है समझ में आया ये सीरियम में ऐसा क्यों बाकी सब में क्यों नहीं है क्योंकि तो जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ाओगे फोर एफ ऑर्बिटल ज्यादा अंदर की तरफ चली जाती है तो ये ध्यान रखना अगर आपसे कोई पूछे कि जब आप सीरियम से ल्यूटिशियम तक मूव करोगे तो एफ और डी के बीच का जो एनर्जी गैप है एफ ऑर्बिटल फोर एफ ऑर्बिटल और फाइव डी ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे अगर आपसे कोई पूछे कि जब आप सीरियम से ल्यूटिशियम तक मूव करोगे तो 4f ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमें जो है सीरियम से ल्यूटिशियम तक मूव करना है 4f ऑर्बिटल से 5d ऑर्बिटल के बीच का गैप बढ़ेगा घटेगा एनर्जी गैप इंक्रीज करेगा क्यों क्योंकि हर स्टेप में प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है

वो एफ में फिल होता है डी में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता सिर्फ दो जगह आपको देखने को मिलेगा वो जब आपका एफ सेवन होगा और या तो आपका बाकी सीरियम में होता है बाकी और कहीं नहीं होता क्योंकि गैप जो हो जाता है वो इंक्रीज कर जाता है इलेक्ट्रॉन in फिल होता है फोर एफ में फाइव डी आपका खाली होने लगता है या फाइव डी में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता बाकी लोग बताओ समझ में आई बात ये रटना नहीं है ये सब ठीक है क्यों बढ़ रहा है ये ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देख लिया राइट

तो आपको अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें बस एक ही काम आपको करना है बस एलिमेंट्स को ये नाम ध्यान रखना है बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्गेशन सब अपने मन से आप कर लोगे कुछ रटना नहीं है कहीं इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाते जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सब क्यों आया ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मतलब कल की क्लास में कि प्लस थ्री कॉमन क्यों है प्लस फोर जहाँ आता है वहां पे प्लस फोर क्यों आया कुछ जगह पे देखो यहाँ पे प्लस टू आ रहा है प्लस टू यहाँ पे क्यों है यहाँ पे प्लस टू प्लस थ्री आया यहाँ पर प्लस टू क्यों है यहाँ पे थ्री फोर दोनों दिख रहा है वहां पे थ्री फोर दोनों दिख रहा है तो क्या सब जगह थ्री स्टेबल होगा या फोर स्टेबल होगा या टू स्टेबल होगा या फोर स्टेबल होगा ये सब चीज हम लोग जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो आज के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ठीक से ध्यान रखना है राइट और जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ठीक से और ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने यहाँ पे लिखा एक बार लिख लेना आप बस कल मैं आपको पूरा समझा दूंगा और ये ध्यान रखना कि सीरियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन होता है गेडोलिनियम में ये होता है और ल्यूटिशियम में ये होता है मतलब डी इलेक्ट्रॉन कहाँ है सीरियम ल्यूटी और गेडोलिनियम बाकी कहीं नहीं है और ध्यान रखना कि जब आप सीरियम से ल्यूटिशियम तक मूव करोगे तो एफ और डी के बीच का गैप बढ़ता है रटना नहीं है ये ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जैसे जैसे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा अंदर वाली सेल पे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स बाहर वाली सेल पे कम न्यूक्लियर फोर्स अंदर वाली सेल ज्यादा मूव करेगी बाहर वाली कम मूव करेगी गैप बढ़ता जाएगा ठीक है इसलिए जब आप सीरियम से तक जाते हो तो एनर्जी गैप आपका इंक्रीज करता है ठीक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है देखो मैं एक एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं एग्जाम में तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये देखो क्वेश्चन यहां पे एक कर लेते हैं हम लोग ये भी आरपीएससी का ही है ऐसा नहीं कि बाकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया ठीक है बाकी में भी आया जहां आए जहां जिसकी जरूरत होगी मैं आपको बताता चलूंगा देखो क्वेश्चन और है यहां है कि कुछ ऑफ द फॉलोइंग लेंथोनाइड्स कुछ ऑफ द फॉलोइंग लेंथोनाइड्स फॉलोइंग एल प्लस आयंस हैज एफ फोर्टीन कंफिग्रेशन प्लस थ्री का बताना है ठीक है कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं जानता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आता है लेकिन कितना आप इसको सीरियसली पढ़ते हो एग्जाम के पेपर से देख लो आप एल ए थ्री प्लस सी फोर प्लस वाई बी थ्री प्लस और वाई बी टू प्लस जर बताओ इनमें से कहां पर है फोर्टीन है अभी हमने पढ़ा है बताओ इनमें से कौन से लेंथनाइट में एफ फोर्टीन कंफिग्रेशन है ना वाई बी वाई बी क्या होता है फोर एफ फोर्टीन फाइव डी जीरो सिक्स एस टू सीरियम पहले आता है इसमें फोर्टीन होगा नहीं लेंथनम में होगा नहीं इन्हीं दोनों में से किसी एक में होना चाहिए अब वाई बी टू अगर आप करोगे तो आएगा फोर एफ फोर्टीन वाई बी थ्री अगर करोगे तो क्या आएगा फोर एफ थर्टीन तो फोर एफ फोर्टीन कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है है मत लिखना ठीक समझो इसे मतलब सिंपल ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है देखो तीन हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन थ्री क्वेश्चन हमने किए और गेडोलिनियम बहुत कॉमन एग्जांपल है बहुत सारे एग्जाम में एक्साम्प मेंियम तो का ध्यान भी रख लेना आप गेडोलिनियम का

ल्यूटीसीएम में और गेडोलिनियम में सीरियम में क्यों क्योंकि एनर्जी गैप कम है गेडोलिनियम में क्योंकि हाफ फिल्ड है ल्यूटीसीएम में क्यों क्योंकि फिल फिल्ड है बाकी जगह पे आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा एफ ऑर्बिटल में कल हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे ठीक है राइट और कल बाकी क्वेश्चन भी करते देखो तीन क्वेश्चन कराने का पर्पज यही था आपको ये भी जो है आरपीएससी में था ठीक है ये भी आरपीएससी जो

उसको समझेंगे प्लस टू कहां स्टेबल होता है प्लस थ्री कहां स्टेबल होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है ठीक है राइट ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे राइट उसके बाद फिर कल इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे बाकी एग्जाम में तो बस ध्यान रखना आप नाम याद रख के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन खुद से लिख लोगे नाम आपको ध्यान रखना है बस ठीक है चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग दस बजे ओके गुड नाइट टेक केयर